वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फोर्थ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 इट्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट नहीं करना है, हमने सिर्फ इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्हें फॉर्मेशन के बाद सॉल्व भी करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको फाइंड आउट क्या चीज करना है, वो चीज क्लियर गिवन है कि वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है आप उसी को लेट करेंगे वेरिएबल एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वैसे हम अक्सर एक्स वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहां पे आप लेंथ या ब्रेथ किसी भी चीज को लेट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो इट मीन्स हमें ब्रेथ यहां पे लेट करनी पड़ेगी। सो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। सो लेंथ क्या हुई, इसे ट्वाइस से 1 मोर है, तो इसका ट्वाइस मीन्स डबल प्लस 1 इतने मीटर हो गए। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सिचुएशन उसने दी है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। वो लिख रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। सो एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है कि वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया आपको गिवन है 528 मीटर, लेंथ कितनी आपकी 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 528। इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि इधर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर गिवन एरिया पुट कर दिया, तो जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन क्रिएट हो गई। लेकिन अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट, बिकम 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। नाउ 2x स्क्वायर पहले 2 डिग्री, आफ्टर दैट 1 डिग्री एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म, इट इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर लेने हैं पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इट मे बी 0 लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, इस 306। जब प्रोडक्ट 306 है, अगर एक इनमें से 0 हुआ तो वो प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो इट मीन 0 भी नहीं हो सकता। तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं, कोई नेगेटिव इंटीजर या 0 नहीं ले सकते। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो आपने इंटीजर यहां पे फाइंड आउट करने हैं। तो पिछले पार्ट में बताया था कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वही चीज हम लेट करेंगे। सो लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास, सो 1 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सो देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, वो कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार है, तो नेक्स्ट ही लेना है आपने। तो नेक्स्ट के लिए जैसे 6 और 7 है, अगर एक 6 है तो दूसरा 7 है, मीन्स 6 प्लस 1 है, ठीक है। सो सिमिलरली यहां पे हम फिर क्या करेंगे, एक्स में 1 ऐड करेंगे ताकि नेक्स्ट इंटीजर हमें मिल जाए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट गिवन है दोनों का। सो प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। सो इट्स अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मीन्स उससे बड़ी है, देन हिम उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, उनकी एजिस का प्रोडक्ट इन ईयर्स, ईयर्स में प्रोडक्ट लेना है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मीनिंग है कि आज के 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ आज से, विल बी 360।
तो उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमने यहाँ पे रोहन्स की एज फाइंड आउट करनी है, रोहन की एज फाइंड आउट करनी है। सो वेरी क्लियर, वी विल लेट द रोहन्स एज। अगर मदर की एज भी फाइंड आउट करनी होती तो आप दोनों में से किसी की एज को लेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम रोहन्स एज ही लेट करेंगे। सो लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स बिकॉज इट इज गिवन इन ईयर्स। सो मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उससे 26 ईयर ओल्डर है, मीन्स बड़ी है। तो वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट लेना है। सो रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 ईयर बड़ा हो जाएगा। सो रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, दैट इज एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 29 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। सो एक्स प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज एंड मदर्स एज एक्स प्लस 29, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 हमें गिवन है। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x एंड प्लस 87, 29 7 87 इक्वल टू 360। सो एक्स स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो प्लस 31x, और कांस्टेंट टर्म्स कलेक्ट करते हैं हम, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 31x एंड माइनस 273 इक्वल टू 0। सो इट्स अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 29 प्लस 3 इट विल बी 32 नॉट 31। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज अवर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन को यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस कवर अप करनी है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए वो 3 आवर्स जो वो है मोर एक्स्ट्रा यानी के टाइम लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें यहां पे ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आप ट्रेन की स्पीड ही लेट करेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर। सो डिक्रीज स्पीड, हमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया है, दैट इज एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 480 किलोमीटर इन बोथ सिचुएशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सेम डिस्टेंस को अगर इस स्पीड पे ट्रेन चलाया जाए या इस स्पीड पे चलाया जाए तो 3 आवर्स मोर लेगी लेस स्पीड पे। सो हम टाइम फाइंड आउट करते हैं, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और इसको x से डिवाइड करते हैं तो हमारी नॉर्मल स्पीड के ऊपर टाइम आ जाता है। और अगर इस 480 को हम x माइनस 8 से यानी कि डिक्रीज स्पीड से डिवाइड करते हैं तो वो टाइम आ जाएगा। बोथ टाइम्स आर इक्वल, नो, उसने गिवन है कि 3 आवर्स मोर, 3 घंटे वो ज्यादा लेगी किस पे, लेस स्पीड पे। सो ये लेस स्पीड है हमारी, लेस स्पीड पे ऑलरेडी 3 आवर्स उसने मोर जो है वो ले लिए हैं। तो 3 आवर्स हम अगर इधर ऐड करते हैं या इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज सेम थिंग, एक तरफ ही करना है, दोनों तरफ नहीं करेंगे। सो इधर ऐड कर देते हैं तो नाउ बोथ टाइम्स आर इक्वल। तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे ऑफ
ऑल पार्ट्स, सभी का बोथ साइड कंबाइंड जो है वो एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस एट। इधर x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस एट इधर मल्टीप्लाई होगा 480 इंटू एक्स माइनस एट, प्लस अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई हमें दोनों से करना पड़ेगा इक्वल टू, अगर x माइनस एट से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा ऊपर x को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 480x। अब हम एलसीएम को जो बोथ साइड का कंबाइंड लिया उसे छोड़ सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने इस एलसीएम x इंटू एक्स माइनस एट से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सो इट विल बिकम 480x माइनस एट प्लस 3x इंटू एक्स माइनस एट इक्वल टू 480x। सो लेट सिंप्लीफाइड, इट्स 480x माइनस क्या बनता है ये, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 64, 6, 3840 बनेगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 480x। सो अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 3x स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म जो सबसे पहले आएगी, आफ्टर दैट x कंटेनिंग टर्म्स लिखते हैं, सो दैट इज 480x माइनस 24x और इधर माइनस 480x, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बचती है हमारे पास 3840 सिंगल ही टर्म। सो लीजिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर और 480x पॉजिटिव है, 480x नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओनली 24x बचेगा और माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब इसे क्या देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, लेकिन 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सभी कॉफिशियंट्स को डिवाइड कर सकता है, ये 3840 भी 3 पे डिवाइड होता है, सो लेट्स डिवाइड इट, सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 1280, 3 पे से डिवाइड करेंगे 3 1 3 2 बचेंगे तो सॉरी 3 1 3 और 3 2 6 2 बचे 24 3 8 2 दैट इज 0। सो ये हमारे पास क्या आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। Along with this, our second question is over. ये question भी हमारा हो जाता है और exercise भी हो जाती है, तो next exercise के लिए आप next video देखिए। अगर आपको ये video पसंद आया तो इसे like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए and thanks for watching my video.